ठीक है, तो टुडे आवर प्लान इज, सॉरी, सो टुडे आवर प्लान इज टू कवर टू चैप्टर्स. वन इज अराउंड डेटा हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, एंड सेकंड इज अराउंड वी कॉल इट मेंसुरेशन, व्हिच इज नथिंग बट नो कैलकुलेटिंग द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ नो सम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स. But before we go there, I wanted to do a quick recap of what we have studied in the previous class. जो हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट्स के साथ में आई मीन ऑल दैट कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी हैड बिल्ट अराउंड डेसिमल नंबर्स एंड डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ डू वी कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल. आई एज्यूम हम लोगों ने जो भी पहले किया है दैट इज़ अंडरस्टूड, कुछ डाउट नहीं है. बट मैं थोड़ा एक बार जो है डेसिमल का कैलकुलेशन को जस्ट थोड़ा सा एक बार रिकैप करना चाहता था, सो दैट अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है या कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो दैट कैन बी क्लैरिफाइड. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, लेट मी नो इफ़ यू आर एबल टू सी इट, है ना. कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? यस सर, ओके, तो देखिए हम लोगों ने डेसिमल के साथ में थोड़ा सा खेल कूद किया था. सो सिंपल थिंग दैट वी लर्न, राइट? लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2.16 एंड इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू फ्रैक्शन, इट वॉज वेरी इजी, राइट? वी लर्न दैट we put the same number as we have in denominator and this decimal converts into number 1, and then whatever number of digits we have after the decimal, that many zeros we put here, so that becomes 216 by 100. तो ये तो था कि कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन. अभी लास्ट टॉपिक दैट वी वर ट्राइंग टू कवर इन दैट चैप्टर वाज कि डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं. तो इट्स एज सिंपल एज नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन दैट वी डू विद द होल नंबर्स और द नेचुरल नंबर्स, जो पूर्ण संख्याओं के साथ में या प्राकृत संख्याओं के साथ में जो करते हैं हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन या जोड़ जोड़ घटाओ जिसको बोलते हैं हिंदी में, वैसा ही काम करता है. हियर इट इज़ मोर अबाउट द वे यू अलाइन इट. ओके, अगर जस्ट टू डू अ रिकैप, मान लिया जाए कि इफ़ यू हैव टू ऐड 2.16 एंड 3.25, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान होता है इफ़ यू अलाइन इट प्रॉपरली. ठीक है, जैसे यहाँ पे सी दिस नंबर हैज़ टू डिजिट्स, दिस नंबर ऑल्सो हैज़ टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट द नो द डिजिट्स आर अलाइन सच दैट इट्स ईजी. ओके, चलिए और भी बच्चे आ रहे हैं, लेट मी एड वेद एंड क्रिस. हाय वेद, हाय क्रिस, गुड इवनिंग बच्चों. सो यू गाइस गॉट लिटिल लेट टुडे बट नॉट मिस्ड एनीथिंग. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार. हमने अभी तक जो पढ़ाई की है तो डेसिमल्स जो हमने पिछले क्लास में सीखा था दैट इज व्हाट वी आर डूइंग अ रिकैप ऑफ. ओके, ठीक है. तो हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अगर आप डेसिमल्स को का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हाउ यू आर अलाइनिंग इट, हाउ यू आर राइटिंग इट ऑन द नो पीस ऑफ पेपर और व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशन. तो देखिए जैसे कि था 2.16 और 3.25 को अगर ऐड करना है, बोथ हैव टू डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, सो व्हेन यू आर राइटिंग इट ऑन द पीस ऑफ पेपर और नो अगर लैपटॉप में करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन पेपर से आप कर रहे हो विच इज़ द मोस्ट आइडियल वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन, मेक श्योर यू आर अलाइनिंग इट प्रॉपरली. This looks in a vertical line, the decimals. Okay, then the first digit after the decimal is also perpendicular. I mean, in the same vertical line. अगर आपने ऐसा align करके रखा है ना, then your calculation becomes much easier. Now I'll tell you why. I'll just take two more minutes and then we'll move on to the topic for the day. So I was talking about adding 2.18 with 3.64. I mean, again, this might be different from the number that you saw on the previous. Slide, but that's okay.
सो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट आई हैव अलाइन्ड द डेसिमल फॉर बोथ द नंबर्स. फर्स्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल इज ऑल्सो अलाइन, सेकेंड डिजिट ऑफ द डेसिमल इज ऑल्सो अलाइन्ड. तो इसको अगर देखेंगे ना, देन इफ इफ यू हैव डन दैट पार्ट राइट बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल, इफ यू हैव डन द अलाइनमेंट राइट, इट्स फेयरली ईजी राइट. आप लोग इतने बड़े बच्चे हो, आप लोग को जोड़ घटाव आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी ईजी फॉर यू. सो हियर इट्स ऑल अबाउट अलाइनिंग इट एंड देन यू कैन डू अ नॉर्मल मैथ. ओके, 8 + 4 = 12, बचा 1 6 + 1 7 + 1 8, नो कैरी फॉरवर्ड, 2 + 3 = 5, एंड डेसिमल चूंकि अलाइन तो आप डेसिमल रख देंगे. सेम वे यू विल डू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. अभी यहाँ पे दिस अलाइनमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज नाउ यू लुक एट अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू एड 2.1 विथ 3.652. तो दिस इज वेयर यू सी द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अलाइनमेंट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे देखिए, पिछले क्लास हमने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद में जितना चाहे जीरो डाल लीजिए, जैसे आपकी ज़रूरत हो, एज यू नीड यू गो ऑन एडिंग. सो अभी 2.1 है ना, इसको आपको यहाँ पे देखिए नीचे वाले में 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक है नंबर, तो यहाँ पे भी यू कैन अलाइन इट. आप मान लीजिए कि यहाँ पे वर्चुअल जीरो था जो दिख नहीं रहा था, अभी आपने उसको यहाँ पे ले आया. नॉट सिंपल मैथ. सो इसीलिए अलाइनमेंट ईजी है. अगर मान लीजिए कि गलती से आपका ये इसका 1 का अलाइनमेंट 5 के साथ होता ना, तो पूरा मैथ तहस नहस हो जाता राइट. कोई डाउट है यहाँ पे? दिस फाइन. ओके वीर, क्रेस, क्लियर बेटा? डाउट है तो बोल दीजिए बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. पूछना पड़ता है भाई. वीर और क्रेस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वीर और क्रिस से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है ना बेटा? समझ में आ रहा है ये? ओके, देख मुझे लग रहा है कि योर वॉइस वॉज ब्रेकिंग बेटा. से इट अगेन. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो कन्फ्यूजन, बट अगर हुआ तो बता देंगे बाद में, आई कैन क्लैरिफाई इट, है ना? तो चलिए, अभी हम लोगों ने देखा कि डेसिमल्स, तो यहाँ पे दिस वाज इम्पॉर्टेंट, हाउ डू वी अलाइन एंड देन हाउ इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन, है ना? उसे कैसे आपको कैलकुलेशन में आसानी होती है डेसिमल्स को अगर आपने अलाइन किया है सही से. तो नाउ वील मूव ऑन टू द टॉपिक और द चैप्टर फॉर टुडे विच इज डेटा हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट. हेलो. हाँ वैभव. हेलो सर. हेलो बेटा. आप वैभव आप म्यूट कर लीजिए ये, क्यों, ताकि हम जब बोलें तो आपको समझ में आए, सब कुछ सुन पाए ठीक से. कोई सवाल रहेगा तो आप चूंकि फोर्थ ग्रेड में हैं, अभी मैं 6th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. आप क्या करेंगे, पुराने वीडियोज जो हैं 6th ग्रेड के पहला चैप्टर से उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा कुछ कन्फ्यूजन है तो, है ना? अभी अभी आप सिर्फ ध्यान दे के सुनिए जो हम बता रहे हैं, है ना? चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट. ठीक से लिखते हैं, डेटा हैंडलिंग. ठीक है, अभी डेटा हैंडलिंग या मैनेजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन. डेटा मतलब आंकड़ा. ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी होता है राइट? ये टॉपिक मतलब पिक्चर में आया ही क्यों? व्हाई डू वी नीड डेटा हैंडलिंग और मैनेजमेंट राइट? तो देखिए, अभी एक यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको दिखाते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे देखिएगा, ये क्या दिख रहा है? IPL मैच चल रहा है, मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर का बैटिंग किया, उसमें 139 रन बनाया 8 विकेट के लॉस पे, है ना? अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है.
एक बैट्समैन था, उसका नाम नहीं बता रहा हूँ पूरा, उसने 6 रन बनाया 4 बॉल्स पे, 1-4 लगाया, ठीक है। उसी तरह से फिर ईशान किशन ने कुछ किया। सो यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस दिस टेबल दैट यू सी हियर ऑन द स्क्रीन, देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, काफ़ी जानकारी है यहाँ पे। और सिर्फ जानकारी नहीं है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत ही नियम से, मतलब अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देख के पढ़ना आसान होता है, उसको समझना भी आसान होता है। आपको ये भी पता चलता है, अच्छा सूर्य कुमार यादव जो है आउट हो गए तो उनको जडेजा ने आउट किया, और सूर्य कुमार यादव ने 28 रन बनाए थे 32 बॉल पे। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ डेटा मैनेजमेंट और डेटा हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे डेटा को कैसे दिखा, इसको डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज वॉट इज विजिबल हियर ऑन द स्क्रीन। आप लोग को ये समझ में आ रहा है क्या, ये जो स्क्रीन हम दिखा रहे हैं? आप लोग मैच वैच देखते हो क्रिकेट? हाँ, तो वही हम बता रहे हैं कि डेटा मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि हाँ बेटा बोलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लिया जाए कि एक क्लास में, आप लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पे कितना 50 स्टूडेंट्स होते होंगे, कम से कम 50-60 स्टूडेंट्स हर एक क्लास में, है ना? हाँ, देखिए तो मतलब जस्ट ऑन एवरेज 50-60 बच्चे तो होते ही है एक क्लास में, है ना। अभी मान लिया जाए, आपको एक काम दिया जाए कि सभी बच्चों का नाम लिखो, बच्चे 1, 2, 3, 4 करते करते 50 बच्चों का नाम लिखिए, ठीक है। और आपको अगर मान लीजिए कि अभी अभी मैंगो का सीज़न है, तो इसमें लिखना है कि कितने लोगों को मैंगो पसंद है और कितने लोगों को मैंगो नहीं पसंद है, ठीक है। आप लिखेंगे पहले बच्चे का नाम लिखेंगे, जो मान ली अमर, कुछ भी जो भी नाम है उसको लिखेंगे कि मैंगो पसंद है। दूसरे बच्चे का नाम क्या लिखेंगे, जो भी है उसको लिखेंगे, उसको भी मैंगो पसंद है। मान लीजिए यहाँ पे ये मान लिया जाए कि वैभव का क्लास है, तो वैभव का नाम लिखेंगे, लिखें इसको मैंगो पसंद है। चौथे बच्चे का नाम लिखेंगे, मैंगो पसंद नहीं है, ठीक है। अब टीचर बोले थे आपको ये कलेक्ट करने के लिए डेटा, आपने अगर ये 50 लोगों का नाम भरा, देखिए हम यहाँ पे 5 लोगों का नाम भरने में ही पेपर भर गया, ठीक है, और जो जो भीड़ भाड़ जमा हो गया वो तो हो ही गया। अगर मान लिया जाए आपको टीचर बोलते हैं कि सबका नाम लिखो, आपने एक पेपर में भर के लिख भी लिया नाम, ठीक है, 50 बच्चों का नाम, उसको मैंगो पसंद है कि नहीं पसंद है, टिक मार्क लगाया नहीं लगाया। उसके बाद अगर कोई टीचर बोलते हैं कि चलो भाई जोड़ के बताओ कि कितने कितने लोगों को मैंगो पसंद है, सबको एक एक मैंगो दिया जाएगा, और बताओ कितना मैंगो चाहिए। अब 50 बच्चों के लिए इमेजिन कीजिए कि सबका आप नाम लिख रहे हैं, सबके आगे टिक मार्क कर रहे हैं, फिर आप जोड़ेंगे सारा टिक मार्क का ऐड करेंगे, भाई आउट ऑफ 50 मान लिया जाए सबको एक एक करके ऐड करते गए, तब पता चला कि अच्छा 46 बच्चे जो हैं उसको मैंगो पसंद है और 4 लोगों को पसंद नहीं है। दिस बिकम्स अ वेरी कम्बरसम एक्सरसाइज। और आपने मान लिया जाए अगर आपने एक प्लेन पेपर पे लिखा था, अगर 50 बच्चों का नाम ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ था, और उसके बाद जो है इफ यू जस्ट गो ऑन एडिंग द डिटेल्स, इट्स ओके, इट्स डन। लेकिन अगर देखेंगे कि उससे कितना इजी है उस डेटा को पढ़ना या समझना, ठीक है, तो आप पाएंगे कि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। और जब हम डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, तभी इट इज़ ऑल अबाउट हाउ स्मार्टली और हाउ इंट्यूटिवली, मतलब कितना आसानी से और कितना मतलब आसानी से कर सके और कितना आसानी से लोग समझ पाए, उसको देख करके उसका मतलब समझ में आ जाए। अभी एक मान लो यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कि ये एक्सरसाइज मान लिया जाए कि वैभव को दिया गया था, ठीक है, कि जाओ भाई बच्चों सारे बच्चों का नाम नोट करो और पता करो कि कितने लोगों को मैंगो पसंद है, उतना मैंगो खरीदा जाएगा। वैभव ने सोचा कि नाम मैंगो जब खरीदने जाएंगे तो दुकानदार को बोलना है कि इतना मैंगो चाहिए हमको, वहाँ पे तो हम नहीं बताएं कि अमर को मैंगो चाहिए, विक्रम को मैंगो चाहिए, हम तो बोलेंगे हमको 50 मैंगो चाहिए या 40 मैंगो चाहिए। तो वैभव ने क्या किया, जुगाड़ निकाला, बोला कि ठीक है भाई अभी हम दो ऐसे बक्सा बनाते हैं, ठीक है, पेज पेज पे, हाँ अभी यहाँ पे मैंगो यस मैंगो नो, ठीक है, पहले बच्चे से बात किए,
उसका नाम पूछे तो मैंगो पसंद है, बोला हाँ, बोले ओके। तो चलिए यहाँ पे एक लिख दिया ऐसे। दूसरे बच्चे से पूछे, उसके ने बोला कि मैंगो पसंद है, हाँ पसंद है, तो ओके टिक मार्क कर दिया। तीसरे ने बोला कि मैंगो पसंद नहीं है, तो भाई यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसे करते करते 50 बच्चों का जो है डेटा मान लिया जाए वैभव ने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो उसमें आउट ऑफ 50 किड्स व्हाट ही फाउंड इज कि 3 बच्चों ने कहा कि मैंगो पसंद नहीं है। तो ये मैंगो पसंद नहीं वाला बॉक्स है, ये मैंगो पसंद वाला बॉक्स है। तो पता चला कि अच्छा, तो 47 बच्चों को मैंगो पसंद है और 3 बच्चों को पसंद नहीं है। ये दिस वॉज वेरी इजी फॉर वैभव कि चलो टीचर जी को बोल देते हैं कि देखिए ऐसा ही है, यही फाइंडिंग है, पूरा जो आपने एक्सरसाइज करने बोला था उससे यही निकला है जानकारी। आसान हो गया ना? तो यही चीज़ हम लोग जब यहाँ पे देख रहे थे, ये जो आपको दिख रहा है जैसे एक डेटा दिखते मान लीजिए कैमरून ग्रीन का, कि 6 रन बनाया उन्होंने 4 बॉल पे, 10 मिनट तक बैटिंग किया, एक चौका लगाया, 0 छक्का और स्ट्राइक रेट था इतना। यही इन्फॉर्मेशन अगर लिखने जाते कैमरून ग्रीन का, ये जो इन्होंने 4 बॉल खेला था, पहला बॉल 0 रन, दूसरा बॉल 4 रन, तीसरा बॉल 0 रन, चौथा बॉल, अगर वैसे लिखते अगर सिर्फ ना, तो दैट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उसको देख के सामने वाले को समझने में थोड़ा मेहनत लगता, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, बट बहुत मुश्किल होता है। इस फॉर्म में लिखने पे क्या हो रहा है, आपको ये देख करके एक लाइन का इन्फॉर्मेशन जो है देख करके काफ़ी आसानी समझ में आ जाता है। इसको इंट्यूटिव बोलते हैं, मतलब देख के आपको समझने में आसानी हो, ऐसा मतलब इंट्यूशन मतलब होता है ना कि आप कुछ गेस करते हैं, तो यहाँ पे वैसा गेस करने वाला काम तो नहीं है, लेकिन इंट्यूटिव मतलब जो चीज़ को जो अपने आप से ही आपको समझा दे, उसको देखेंगे तो देख के आपको उसको इंटरप्रेट करना आसान हो, है ना? तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा मैनेजमेंट, जहाँ पे कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है ताकि लोग उसको देख के समझ सकें। तो वही काम जो वैभव ने किया यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन क्लास का निकालना था वहाँ पे इसको कैसे ऑर्गेनाइज करके लिखा। ठीक है, अभी मान लिया जाए कि अगर इसी तरह से और भी बहुत सा एक्सरसाइज हो सकता है। मान लीजिए कि एक स्कूल है, वहाँ पे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बोलेंगे कि भाई मंडे को कौन कौन से टीचर आ रहे हैं, ट्यूसडे को कौन कौन से टीचर आ रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और मान लिया जाए अगर कि स्कूल में 25 टीचर हैं अगर, ठीक है, और प्रिंसिपल जो है पता करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से दिन कौन कौन से टीचर आ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से क्लास का प्लानिंग किया जाए। तो अभी देखिए मान लिया जाए कि एक एक हिंदी की टीचर है, मतलब एक सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तीसरा सब्जेक्ट है आपका मान लिया जाए मैथ, उसके बाद मान लीजिए फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। प्रिंसिपल क्या चाह रहे हैं कि 25 में से कितने टीचर आ रहे हैं, कौन कौन से दिन, मंडे को एक दो लोगों ने छुट्टी लिया है, ट्यूसडे को कुछ लोगों ने छुट्टी लिया है, वेडनेसडे को कुछ लोगों ने छुट्टी लिया है, लेकिन उनको प्लान करना है कि किस दिन क्या पढ़ाई होना है, कौन सा सब्जेक्ट का, कौन से क्लास में। तो वो चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन, वो 25 टीचर में से कौन लोग कब आ रहे हैं, ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके क्लास का प्लानिंग के लिए। आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, अभी यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मान लिया जाए आपको जब भी स्क्रीन में दिख रहा है ये जो आपको मान लिया, ये मान लिया जाए पंक्ति 1 जो है दैट इज मंडे, ठीक है, पंक्ति 2 इज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर या मान लिया जाए ये डेज है, ठीक है, और ये वर्टिकल कॉलम में मान लिया जाए अगर कि सब्जेक्ट्स हैं, कि पहला हिंदी से इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर इस फॉर्म में डेटा रहता है ना, मान लिया अगर हर एक डे के लिए देखना चाहेंगे कौन कौन से टीचर हैं, तो उससे वो दिखा पाएंगे। यहाँ पे दिस इज डिपिक्टिंग अ लाइब्रेरी का थिंग, इसीलिए नो इट्स डिफिकल्ट, बट लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू, लेट मी नॉट कन्फ्यूज यू गाइस। ठीक है, अब मान लिया जाए कि टीचर जो प्रिंसिपल है उनको पता है कि हम लोग 3 दिन का ही प्लान करते हैं, सो दैट डजन लुक कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, या मान लिया जाए ये है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ, चलिए 3 ही सब्जेक्ट का प्लान करते हैं। ठीक है, तो जो 25 टीचर्स थे, प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने पता किया भाई किसने कब कब छुट्टी ली है,
तो पता चला कि मंडे को 5 हिंदी के टीचर हैं, ठीक है, और इंग्लिश के मान लिया जाए 10 हैं और मैथ के 8 हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, हम अभी यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिख रहे हैं, एंड देन यू विल फाइंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। ओके, अभी देखिए, मंडे को हिंदी के 5 टीचर हैं, इंग्लिश के 10 टीचर और मैथ के 8 टीचर हैं, ट्यूसडे को 6, 8 और 10 हैं ऐसे हर सब्जेक्ट के, और वेडनेसडे को इतने इतने हैं। इस इन्फॉर्मेशन से देखिए आपको क्या क्या मिलता है। एक पता चलता है क्या, आउट ऑफ 25 टीचर्स, यहाँ देखिए 10 8 10 8 18 प्लस 5 23, मतलब 2 टीचर छुट्टी पे हैं, दिस इज लीव प्लान, ठीक है, छुट्टी पता चल रहा है यहाँ पे। अब कौन से सब्जेक्ट के छोड़ दीजिए उसको। अभी दूसरा लाइन देखिए, 10 8 18 प्लस 6 24, मतलब 1 टीचर इज ऑन लीव। ओके, ट्यूसडे को, वेंसडे को 15 प्लस 8 23, वेंसडे को ही 2 टीचर छुट्टी पे हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू डू कोर्स प्लानिंग, यू आर ऑल्सो एबल टू फिगर आउट कि भाई आपका छुट्टी किन्होंने लिया है और कब कब छुट्टी, मतलब कितने लोगों ने छुट्टी लिया है। इट दैट इज वन इंफॉर्मेशन। नाउ अनदर थिंग दैट दिस डेटा विल डू इज द प्रिंसिपल विल बी एबल टू से ओके, नाउ सिंस आई हैव 5 हिंदी टीचर्स, आई कैन प्लान 5 हिंदी क्लासेस ऑन मंडे, ठीक है। हो सकता है कि 1 फॉर ग्रेड 5, 1 फॉर ग्रेड 6, 1 फॉर ग्रेड 7, एंड यू नो एंड 2 फॉर ग्रेड 8, लेट्स से। उसी तरह से इंग्लिश के 10 टीचर हैं मंडे को, देन ही कैन प्लान 10 क्लासेस, तो ही कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। सो नेट नेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, आप देखेंगे कि ये जो डेटा है आपके पास, जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए वो प्रिंसिपल अगर ये 25 टीचर्स का नाम और कौन कब छुट्टी पे है, कौन कब अवेलेबल है, उसको अगर ऐसे बहुत ही रॉ फॉर्म में लिखते हैं तो उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होता। अगर उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करके ऐसा कुछ लिखा है तो दिस गिव्स हिम लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट डेटा मैनेजमेंट, है ना। अभी मान लिया जाए यहाँ पे अगर इंग्लिश के टीचर को अगर मान लिया जाए कि है ना एक गुलाब का फूल, रोज़ का फ्लावर जैसा डिपिक्ट करते अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 5 का रोज़ फ्लावर बना देते, ठीक है। इंग्लिश टीचर को अगर मान लिया जाए कि अगर इसको डालिया जैसा रिप्रेजेंट करते अगर, तो यहाँ पे 10 डालिया का बना देते। तो उस केस में दिस दिस वुड हैव बिकम अदर फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं पिक्चरोग्राफी, ठीक है। तो ये जस्ट जानकारी के लिए है। सो नेट नेट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट इज द सिग्निफिकेंस एंड रिलिवेंस ऑफ डेटा मैनेजमेंट इन आर लाइफ। मतलब उसमें दो चीज़ होता है, एक तो होता है डेटा कलेक्शन, जब आप डाटा या इन्फॉर्मेशन या आंकड़ों का कलेक्शन करते हो, और दूसरा होता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। दिस इज रिप्रेजेंटेशन पार्ट। तो यहाँ तक इसमें कुछ कन्फ्यूजन है आप लोग को, मतलब दिस वॉज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कुछ मैथ नहीं है, ये सिर्फ ये जानकारी के लिए है। आप लोग जब बड़े होंगे देन यू वुड नो हाउ दिस बिकम्स मोर एंड मोर रिलिवेंट फॉर यू इन योर डे टू डे लाइफ। इसका इसका ज़रूरत कैसे पड़ेगा आप देखेंगे धीरे धीरे। अभी बताइए यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई शंका, क्लियर है। तो अभी सिर्फ एक लाइन में सिर्फ याद रखेंगे, अगर इसे पूरा चैप्टर देखेंगे, 6th ग्रेड का है, इसका एक लाइन में मीनिंग निकलता है कि भाई डेटा मैनेजमेंट जो है उसका 2 पार्ट होता है, वन इज़ डेटा कलेक्शन एंड सेकेंड इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब डेटा को आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों को दर्शाना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी स्क्रीन में, ये है आंकड़ों का दर्शाना। अब ये 25 टीचर का डेटा जो प्रिंसिपल कलेक्ट किए होंगे, दैट इज कलेक्शन, डेटा कलेक्शन मतलब आंकड़ों का संकलन बोलते हैं शायद हिंदी में, या हाँ, आंकड़ों का संकलन ही बोलेंगे, राइट, ठीक है। अब ये अगर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें 2 3 फॉर्म होता है, आप चाहे इसको अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, एक चीज़ होता है टैली मार्क्स। अभी देखिए जैसे ये यहाँ पे है ना, मान लिया जाए कि ये 8 है, यहाँ पे इसको अगर 8 को ऐसे नहीं दिखा करके ऐसे दिखाते, अगर रोमन मेथड से जो हम लोग करते थे नंबर्स 5 प्लस 3, तो ये एक तरीका होता है। तो इसको ये जो है इसको इसको इरेज करके आप ऐसे भी दिखा सकते थे, ये 5 5 का ग्रुप बनाते हैं, 10 के बदले में हो जाएगा 1 2 3 4 5,
5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज द रोमन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। हाँ, टैली मार्क्स बोलते हैं उसको हिंदी में, निशान चिन्ह, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है कि आप जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा जमा कर लेते हैं, तो उसको आप कैसे करके ऐसे दिखाएंगे जो कि आपके लिए उसको समझना आसान हो, सामने वाले के लिए उसका यूज़ करना आसान हो। अभी ये मान लिया जाए, ये स्कोर कार्ड जो है क्रिकेट मैच का, कहाँ गया, रिफ्रेश हो रहा है, तो ये स्कोर कार्ड अगर मान लिया जाए कोई इसको कागज़ कलम लेके एकदम फ्री फ्लो में लिख रहा होता, ऐसा नहीं रखता अगर, तो शायद से उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता। अभी देखिए डिफरेंस देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए कहाँ गया, अगर इसका डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, तो ये लाइव स्कोर कार्ड में देखेंगे, वहाँ पे एक एक बॉल का करता है, वो पूरा कहानी जैसा लगता है, तो उसको पढ़ने में ज़्यादा मेहनत है। ये वाला जो है इसमें, हाँ अभी आएगा, थोड़ा स्लो है यहाँ पे, ठीक है छोड़ दीजिए इसको। तो हाँ, तो मेरा ये कहना था कि आप डेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी जो है यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। तो ये डेटा मैनेजमेंट पार्ट हुआ, दिस इज चैप्टर 9 ऑफ ग्रेड 6, है ना। तो अभी इसको यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं एंड लेट मी